हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन। और इस चैप्टर नंबर 4 में साइन 4a को हम सोल्व करेंगे। ध्यान समझना है आपको। हाँ, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे ये साइन लगा है, इसमें हमें फिल करने हैं जो यहाँ पे नंबर छूट गए उसको फिल करना, कंप्लीट करने हैं यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स 111 इंटू 578 तो इक्वल से यहाँ पे है, बट यहाँ पर 111 नहीं है, तो यहाँ पे 111 आएगा। देखिए, एक बात समझिए, जब भी किसी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर का जो वैल्यू हो जाएगी वो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगी, और जब हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर है, 569, 257 और 141 इक्वल। 141 ये नंबर भी आएगा, 257 ये नंबर भी है, कौन सा नंबर इधर इक्वल से इधर नहीं आया मल्टीप्लाई में, तो वो नहीं आया 569, तो इंटू 569। यहाँ देखिए 379 इंटू मल्टीप्लाई 456 इंटू 145 इक्वल 141 आएगा। 456 ये नंबर नहीं आया, 379 आ चुका है, 456 नहीं आ रहा, आएगा 456 इक्वल। यहाँ पर देखिए इक्वल 379 ये नंबर भी आ चुका है, 456 भी आ चुका है, 145 नंबर नहीं आ रहा है, 145। अब सेकंड देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट, इनमें हमें सभी में क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है, और कैसे करनी है, क्वेश्चन आपको सारे नोटबुक में अपनी सॉल्व देखने हैं, उनको जो है सॉल्व करना है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम, 4 6 जा 24 का 4 लेंगे और कैरी हो जाएगा 4 3 जा 12 को ऐड करेंगे, 12 और 2 हो जाएगा 14 का 4 कैरी आएगा 1, 4 2 जा 8, 8 और 1 9। ठीक है, ऐसे ही आगे हम सोल्व करेंगे, 5 3 जा 15 में कितने हैं, 15 में 5 कैरी 1, 5 8 जा फिर कटे 8 टाइम पढ़ेंगे, 5 8 जा 40 और 1 41 कैरी 4, और 5 2 जा 10 और 4 10 में 4 ऐड करेंगे 14 15। ठीक है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ ये क्वेश्चन सभी आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट, इन क्वेश्चनों में भी आपको मल्टीप्लाई करनी है। इन क्वेश्चनों को आपको ऐसे लिख लेना है, जैसे ऊपर की क्वेश्चन लिखा हुआ है इस टाइप से लिख लेना है, पहले यानी कि इस नंबर को लिखा हुआ है 2 4 6 0 और मल्टीप्लाई 3, यानी कि मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख करके क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नंबर ए डाल लोगे यहाँ पे, फिर बी सी डी, और ये अपने नोटबुक में क्वेश्चन कर लेंगे। 3 0 0 3 का टेबल 0 पर उठेंगे, देखो 0 पे किसी भी टेबल यानी किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 3 6 जा 18 में कितना आएगा, 8 आएगा, कैरी में कितना आ जाएगा 1 कैरी आएगा। 3 4 जा 12 और 1 हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1, 13 कितना आएगा, 13 में 3 यहाँ करेंगे कैरी हो जाएगा 1, और 3 2 जा 6 और 1 7 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये सज आपकी कंप्लीट हो चुकी है 4a, इसको आपको अपने नोटबुक में अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है,